हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन बटन जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, अपना जो चैप्टर चल रहा था एंडोक्राइन सिस्टम वाला, इस एंडोक्राइन सिस्टम के क्वेश्चंस आज की जो क्लास है उसके आज क्लास सेकंड क्लास होगी आपकी। इससे फर्स्ट क्लास पहले मैं करवा चुका था। अपन ने बात कर ली थी पॉइंट नंबर 20 तक बात कर ली थी कल वाली क्लास में, लेकिन आज अपन यहाँ से 18 से वापस स्टार्ट कर रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में अपन ने पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर से इसको स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक ज़रूर करना और अपने सभी फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के आकार की गुलाबी रंग की ग्रंथि होती है। कैसे होती है? गुलाबी रंग की ग्रंथि होती है जो सेला टर्सिका में स्थित होती है। जो कहाँ स्थित होती है? सेला टर्सिका में स्थित होती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम होता है भ्रूण के एक्टोडर्म से होता है, ठीक है। इससे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? भ्रूण के एक्टोडर्म से होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से पीयूष ग्रंथि है की उत्पत्ति कैसे होती है? तो वो होती है आपके एक्टोडर्म से होती है, ठीक है। आपके सामने एक डायग्राम दिखा रखा है, इस डायग्राम में आपको अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में ए बी सी और डी और इनके नाम से एफ ई जी ऐसे नाम से अपन को नामांकन करके आपसे नाम पूछा जा सकता है। तो ये क्या है? हाइपोथैलेमस, इनफंडिबुलर पार्स ट्यूबेरलेसिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टेलिस और पार्स पश्चपाली और अग्रपाली। तो ये पालियाँ वगैरह आपको याद रख लेनी, कौन सी क्या है तो आपको याद होनी चाहिए सभी, क्योंकि ये क्लास, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो तीन क्लासों में कंप्लीट होगा। तो सेकंड क्लास आपकी चल रही है, एक क्लास हो रही है, उसके बाद इसके एमसीक्यू करवा कर चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। फिर कुछ समय के लिए आपकी क्लास ऑफ हो सकती है, बाकी बाद टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगला पॉइंट है पिट्यूटरी ग्लैंड्स रचना और कार्य की दृष्टि से दो पालियों की से बनी होती है, यानी कि जो पीयूष ग्रंथि होती है वो उसकी रचना और कार्य की दृष्टि से दो पालियों से बनी होती है। एडिनोहाइपोफाइसिस जो पिट्यूटरी ग्लैंड का 75% भाग बनाती है, और इसके तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? इसके तीन भाग होते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड का 25% भाग बनाती है, जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होती है ये कितना बनाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स का 25% भाग बनाती है, जबकि एडिनोहाइपोफाइसिस 75% भाग बनाती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब इसका जो ये भी बता दिया था मैंने कल, ये जो टेबल थे, डायग्राम जो मतलब फ्लोर चार्ट था, इस चार्ट को अपन ने मैंने कल बता दिया था। इसमें क्या किस प्रकार इनको डिवाइड किया हुआ है? एडिनोहाइपोफाइसिस जिसे अग्रपाली बोलते हैं और न्यूरोहाइपोफाइसिस जिसे पश्चपाली बोलते हैं। हेलो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज, डाउटनट ऐप लाए हैं आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी अब आप हमें से हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है, और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो अभी जाइए और डाउटनट ऐप पर यह कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउटनट पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। इनको कितने कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है? तो तीन तीन पार्ट में इनको डिवाइड कर रखा है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड से उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, दो पालियों में अग्रपाली पश्चपाली। अग्रपाली को बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, पश्चपाली को बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। जबकि जो अग्रपाली होती है, अग्रपाली में को तीन पार्ट्स में वो डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से? पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस, और जो आपकी पश्चपाली है, पश्चपाली को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो पार्स नर्वोसा कौन कौन से देख सकते हो? पार्स नर्वोसा, यहाँ पे नर्वोसा कटा हुआ है तो आप ध्यान रखना, पार्स नर्वोसा, मध्य एमेनिस, एमेनिस यानी कि मीडियन एमिनेस, प्यूस वरंत यानी कि इन्फ्यून डायफलम, ठीक है। अगला बात करते हैं, भागने पॉइंट की ओर बात करते हैं। तो ये आपको याद रख लेने बस, किसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, क्या क्या नाम है उनके, तो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 23, एडिनोहाइपोफाइसिस द्वारा स्त्रावित हार्मोन। तो एडिनोहाइपोफाइसिस द्वारा जो हार्मोन स्त्रावित होते हैं कौन कौन से हैं, उनके नाम लिस्ट के अकॉर्डिंग इसमें लिखे हुए। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या वर्दी हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या वर्दी हार्मोन। वर्दी का मुख्य प्रेरक है शरीर की अस्थियां और पेशियों के विकास तथा संयोजित ऊतकों की वृद्धि एवं कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है और दुग्ध स्रावण को उद्दीपित करता है। यानी कि जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है जिसे वर्दी हार्मोन भी बोला जाता है, ये क्या करता है? वर्दी को मुख्य प्रेरक है शरीर की अस्थियों और पेशियों के विकास
तथा संयोजी उत्कों की वृद्धि एवं कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है और दुग्ध सिक्रेशन का को उद्दीपित भी करता है। यानी कि जो आपका सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है क्या करता है, दुग्ध सिक्रेशन को भी उद्दीपित करता है। अगला हार्मोन आता है जो एडेनोहाइपोफाइसिस द्वारा स्त्रावित होता है, वो है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जिसमें आता है FSH एंड LH। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये जो क्या दोनों हार्मोन है, FSH और LH, दोनों क्या होते हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होते हैं। ये क्या करते हैं, ये हार्मोन नर और मादा में कर्मश वर्षण और अंडाशय को उत्तेजित करते हैं। यानी कि जो ये हार्मोन होते हैं FSH और LH, ये हार्मोन नर एंड मादा में कर्मश वर्षण तथा अंडाशय को उत्तेजित करते हैं। यानी कि नर में तो वर्षण और मादा में अंडाशय को उत्तेजित करते हैं। FSH मादा हार्मोन एस्ट्रोजन के स्राव को उत्तेजित करता है। जो FSH हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, वो क्या करता है, वो मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन के सिक्रेशन को उत्तेजित करता है। FSH गेमेटोकाइनेटिक कारक भी कहते हैं। FSH जो हार्मोन होता है, FSH हार्मोन को गेमेटोकाइनेटिक कारक भी कहा जाता है। जो FSH हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, उसको गेमेटोकाइनेटिक हार्मोन कारक भी कहा जाता है। एंड LH नर हार्मोन स्राव को प्रेरित करता है। जो LH होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, वो क्या करता है, नर हार्मोन सिक्रेशन को प्रेरित करता है। मादा में कार्पस ल्यूटियम कोशिकाओं द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सिक्रेशन को भी प्रेरित करता है। यानी कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, वो फीमेल में कार्पस ल्यूटियम कोशिकाओं द्वारा जो प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, उसको क्या करता है, उसके सिक्रेशन को प्रेरित करता है। कौन? LH हार्मोन। यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कार्य भी आपको याद होने चाहिए। FSH के बता दिए, LH के बता दिए, तो ये सारे कार्य आपको साथ साथ देख लेना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि LH का कौन सा कार्य LH का है, कौन सा कार्य FSH का है, या FSH कहाँ किसके लिए काम करता है। तो इस प्रकार सारे याद होने आपको जरूरी है। आगे बात करते हैं TSH, जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। यह थायराइड ग्रंथि की वृद्धि और नियमन का कार्य करता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि TSH हार्मोन थायराइड ग्रंथि की वृद्धि और नियमन का कार्य करता है। एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो ACTH होता है, ACTH एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन अधिवक्र कॉर्टेक्स भाग की वृद्धि एवं उससे निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण करता है। यानी कि ACTH का कार्य क्या होता है, ACTH का कार्य यह होता है कि ये अधिवक्र कॉर्टेक्स भाग की वृद्धि और उसे निकलने वाले हार्मोन का पर नियंत्रण करता है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी कि ACTH का कार्य क्या है, तो कार्य आपको सभी के याद होने चाहिए। एड्रेनल कॉर्टेक्स भाग की वृद्धि, यानी कि जो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है, वो एड्रेनल कॉर्टेक्स भाग पार्ट की जो वृद्धि है और उससे निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण करता है, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। लैक्टोजेनिक ट्रोपिक एंड प्रोलैक्टिन और मेमोट्रोपिक हार्मोन जो होता है LTH होता है। यानी कि लैक्टोजेनिक ट्रोपिक या प्रोलैक्टिन जो होता है, ये क्या करता है, पीयूष ग्रंथि की लैक्टोट्रोप कोशिकाओं द्वारा गर्भावस्था में स्तनों की वृद्धि, और इसे दुग्धजनक हार्मोन भी कहा जाता है। यानी कि दुग्धजनक हार्मोन किसे कहा जाता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन भी कहा जाता है। यह पिट्यूटरी ग्लैंड्स के लैक्टोट्रोप कोशिकाओं द्वारा सिक्रेटेड होता है। किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि के लैक्टोट्रोप कोशिकाओं द्वारा सिक्रेटेड होता है, और गर्भावस्था में यह स्तनों की वृद्धि, यानी कि जो स्तनों की वृद्धि के लिए यह क्या काम आता है, कौन, प्रोलैक्टिन हार्मोन काम आता है, और इसे क्या होता है, दुग्धजनक हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आपका मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सभी हार्मोन, जितने हार्मोन अभी तक अपन ने पढ़े, सारे किसके द्वारा सिक्रेटेड होते हैं, एडेनोहाइपोफाइसिस ग्लैंड्स के द्वारा, जो अगर पाली होती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के, उसके द्वारा सिक्रेटेड होते हैं। तो अब बात करते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। रंग कोशिकाओं में मेलानिन के कणों को फैलाकर रंग को गहरा करता है। यानी कि रंग कोशिकाओं में जो मेलानिन होता है, उसको मेलानिन के कणों को फैलाकर रंग को गहरा करता है। त्वचा में तिल बनने को प्रेरित करता है। यानी कि जो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये त्वचा में तिल बनने को क्या करता है, प्रेरित करता है। इंटरमीडियन भी कहते हैं, जो MSH होता है, MSH को क्या बोला जाता है, इंटरमीडियन भी कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस हार्मोन का सिक्रेशन। न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि पश्च्य पाली द्वारा जो हार्मोन सिक्रेटेड होते हैं, उनके नाम कौन कौन से हैं। तो पश्च्य पाली द्वारा हार्मोन होता है आपका ऑक्सीटोसिन, ADH, जिसे ADH को वैसोप्रेशन भी कहा जाता है। तो दोनों हार्मोन पश्च्य पाली द्वारा यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा सिक्रेटेड होते हैं। तो ऑक्सीटोसिन, जिसे पिटोसिन
और बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन को पिटोसिन भी कहते हैं या बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। शिशु जन्म के दौरान गर्भाशय संकुचन प्रेरित करता है, यानी कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है शिशु जन्म के दौरान गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध निष्कासन को प्रेरित करता है, यानी कि निर्माण के लिए तो कौन सा काम आता है, निर्माण के लिए अपन ने पढ़ा था प्रोलेक्टिन काम आता है, अभी जस्ट पढ़ा ही था। इसे दुग्ध जनक हार्मोन भी बोला जाता है, क्योंकि ये निर्माण में काम आता है। जबकि निष्कासन के लिए याद रखना कौन सा आएगा, आपका ऑक्सीटोसिन आएगा। पी से प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन, और पी से हो जाता है प्रोलेक्टिन। तो याद रखना प्रोडक्शन और प्रोलेक्टिन आपको याद रहेगा अच्छे तरीके से। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्तन ग्रंथियों से दुग्ध निष्कासन को प्रेरित करता है। और इसका ये क्या करता है, शिशु जन्म के दौरान गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करता है। दोनों कार्य आपको याद होने चाहिए, किसके, ऑक्सीटोसिन के। बात करते हैं ADH की, तो ADH यानी कि एंटी डायबिटिक हार्मोन या वेसोप्रेशन हार्मोन, ये जल के पुनः अवशोषण को प्रेरित करता है। किसको, जल के पुनः अवशोषण को प्रेरित करता है और जल के ह्रास को कम करते हैं। ADH का काम क्या है, जल के पुनः अवशोषण को प्रेरित करना और जल के ह्रास को कम करना, ये एक इस जल कमी को दूर करना होता है ADH का मेन कार्य। अगली ग्लैंड्स आती है आपके पीनियल्स ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में अपन ने उसके दोनों पालियों के बारे में देख लिया, अग्र पाली और पश्च्य पाली के बारे में अपन ने पूरा देख लिया। उनके द्वारा जो हार्मोन है वो सिक्रेटेड होते हैं, उनके बारे में मैंने बता दिया सारा, आपको समझ में आ रहा होगा। और सभी नोट जरूर कर लेना, अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। ये जो बुक्स अगर आप खरीदना चाहते हो तो बुक्स भी खरीद सकते हो, बुक क्योंकि बुक्स स्टॉक में भी हैं। और अगर आप PDF भी खरीदना चाहते हो तो PDF भी आपको मिल जाएगी। बट एक चीज़ है कि आप अगर दोनों ही नहीं खरीदना चाहते और आप फ्री में पढ़ना चाहते हो तो आपको फ्री में PDF वगैरह कुछ नहीं मिलने वाले, बस आप नोट्स बना सकते हो जो क्लास से रेगुलर होती है, क्लास के अकॉर्डिंग आप स्क्रीनशॉट लेके कैसे भी करके आप नोट्स अपने नोट्स रेडी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको PDF नहीं मिलेगी, ठीक है, PDF आप पेमेंट करोगे तभी PDF मिलेगी। आगे बात करते हैं पीनियल ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड्स अगर मस्तिष्क की पृष्ठ भाग पर स्थित होती है, जो पीनियल ग्लैंड्स होती है कहाँ होती है, अगर मस्तिष्क के पृष्ठ भाग पर स्थित होती है। पीनियल ग्लैंड्स मेलाटोनिन, पीनियल ग्लैंड्स सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह कार्य करती है, यानी कि जो पीनियल ग्लैंड्स होती है वो मेलाटोनिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन भी करती है, और पीनियल ग्लैंड्स सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह भी कार्य करती है। अगला पॉइंट है मेलाटोनिन उपापचय, आपसे पूछा जा सकता है बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह कार्य कौन करती है, तो पीनियल ग्लैंड्स ही होती है जो बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह कार्य करती है, किसमें, सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह कार्य करती है। मेलाटोनिन उपापचय और रज चक्र को प्रभावित करता है, जो मेलाटोनिन नामक हार्मोन होता है वो किसको, उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म, और रज चक्र को प्रभावित करता है, ये त्वचा के रंग को हल्का करता है, यानी कि मेलाटोनिन क्या करता है, त्वचा के रंग को हल्का करता है। पीनियल ग्लैंड्स का वजन 150 मिलीग्राम यानी कि 150 mg होता है, इसका विकास भ्रूण एक्टोडर्म से होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स का भी किससे होता है, एक्टोडर्म से ही हो रहा था, और इसका भी पीनियल ग्लैंड्स का भी किससे होता है, भ्रूण एक्टोडर्म से होता है। तो आपको यह उत्पत्ति जरूर याद होनी चाहिए कि इस ग्लैंड्स का विकास या उत्पत्ति किससे हुई है, तो वो एक्टोडर्म से हुई है। आगे बात करते थायराइड ग्लैंड्स आती है अगली, तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्लैंड्स है, यानी कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्लैंड कौन सी है, थायराइड जो ग्लैंड्स है जो शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्लैंड्स हैं, जो आपका कल टेस्ट होने वाला था, कल 5 बजे जो टेस्ट होने वाला था वो कल नहीं होगा, क्योंकि कल जो रीट का एग्ज़ाम है, रीट के एग्ज़ाम से सभी जगह ऑल राजस्थान सभी जगह इंटरनेट बंद होने के कारण आपके सही तरीके से नहीं हो पाया, क्योंकि 5 बजे वैसे कई जगह 5 बजे आपका नेटवर्क ओपन हो जाएगा, नेट चालू हो जाएगा, लेकिन हर जगह नहीं हो पाएगा। राजस्थान के कई जगह 7 बजे होगा, कई जगह 6 बजे होगा, तो इस चक्कर में सही तरीके से नहीं हो पाएगा, इसलिए आपका टेस्ट कल संडे को ना होकर अब मंडे को रखा जाएगा, ठीक है। मंडे को 5 बजे आप सभी रेडी रहना, 5 बजे तो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, 5 बजे से पहले यानी कि 4:55 तक आपके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा 5:55 पर, आपको YouTube पर आ जाना है, सभी को YouTube पर आकर 4:55 पर YouTube पर आकर आपको ज्वाइन कर लेनी हो, प्राइम लिंक चलेगी विनोद सर वाले, उसमें 5 मिनट तक आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, किस तरीके से आपको काम, किस तरीके से टेस्ट को फॉलो करना है, किस तरीके से टेस्ट देना है आपको, सब कुछ इसमें इंट्रोडक्शन में बता दिया, 5 से 6 मिनट लग जाएंगे, लेकिन 5 बजे फिक्स आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ये बात ध्यान रख लेना आप सभी, ठीक है। तो अपन बात करते हैं थायराइड ग्लैंड्स की, तो थायराइड ग्लैंड्स इसे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्लैंड्स है, ये T3 ट्राईआयोडोथायरोनिन, T4 टेट्राआयोडोथायरोनिन हार्मोन का संश्लेषण करती है, का संश्लेषण सिंथेसिस करती है, कौन, जो आपके थायराइड ग्लैंड्स होती है T3 और T4 का संश्लेषण करती है। T3 का फुल नेम क्या है, ट्राईआयोडोथायरोनिन,
T4 का क्या है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन होता है। वैसे ये जो चैप्टर, ये चैप्टर विनोद सर ने आपके लिए करवा दिया था, लेकिन अगर आप को वो चैप्टर वो भी नहीं देखा हो तो आप अभी भी देख सकते हो, और वो चैप्टर अच्छे से देखा होगा तो आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं, थायराइड ग्रंथि हार्मोन को अक्रिय अवस्था में संग्रहित करती है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि थायराइड जो ग्लैंड्स होती है वो कैसे संग्रहित करती है हार्मोन को, तो अक्रिय अवस्था में क्या करती है, संग्रहित करती है। थायराइड ग्रंथि थायरोकैल्सिटोनिन का स्राव करती है, थायराइड ग्लैंड्स थायरोकैल्सिटोनिन का स्राव करती है, जो रक्त में Ca+2 यानी कि कैल्शियम आयन स्तर का नियमन करते हैं। यानी कि थायराइड ग्लैंड्स किसका सिक्रेशन करते हैं, T3 और T4 का, तो करती है संश्लेषण करती है, उसके साथ साथ थायरोकैल्सिटोनिन यानी कि TCT का भी सिक्रेशन करती है, जो रक्त में कैल्शियम आयन स्तर का नियमन करती है। थायराइड ग्लैंड्स जीवन की रफ्तार को बढ़ाता है और उपापचय दर में वृद्धि करता है। यानी कि जो थायराइड ग्लैंड्स होती है वो जीवन की रफ्तार को बढ़ाता है, और जो उसकी मेटाबॉलिज्म रेट होती है, मेटाबॉलिज्म रेट में क्या करता है, वृद्धि करता है। तो आपको समझ में आ रहा है, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आपके लिए क्लासें हेल्पफुल रहती है या नहीं रहती, ये चीज़ भी आप बता दिया करो। और जितने भी आपके पास व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप या इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप जुड़े हुए हो, हर जगह क्लासों को शेयर कर दिया करो, ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी पता लगे, जिनको वो गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही सारी उनको सही से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इस वजह से सभी जगह इनको शेयर कर दिया करो, सही से क्लास इनको अवेलेबल हो सके, इसलिए सभी जगह आपको शेयर करना जरूरी होता है। तो पॉइंट नंबर 32 तक अपनी हो गई, पॉइंट नंबर 33 की ओर अपन बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में दे रखा है, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन जो थायरॉयड ग्लैंड्स होती है, वो थायरोक्सिन हार्मोन अगर अल्प सिक्रेशन होता है, रति सिक्रेशन होता है, तो क्या इफेक्ट होता है, कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, इसके बारे में अपन बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्प सिक्रेशन और अति सिक्रेशन। अल्प सिक्रेशन से कौन कौन सा होता है, क्रेटिनिज्म, मिक्सिडिमा, गोइटर और आसिमाटो का रोग, जिसे थायरॉयड ग्लैंड्स थायरॉयड की आत्महत्या भी कहा जाता है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि थायरोक्सिन हार्मोन के अल्प सिक्रेशन से ये चार रोग होते हैं और अति सिक्रेशन से चार होते हैं। क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पे तीनों अतिस्राव वाले देकर एक आपको अल्पस्राव वाला दे रखा होगा, और पूछा जाएगा कि अल्पस्राव से, थायरोक्सिन हार्मोन के अल्पस्राव से कौन सा रोग होता है, तो आपका राइट होगा क्रेटिनिज्म, या फिर आपको थायरोक्सिन हार्मोन की अतिस्राव के कारण पूछेगा, तो इनमें से ये तीन दे देगा और इनमें से एक दे देगा नेत्रोसंधि गोइटर, जो आपको अतिस्राव से होता है। तो आपको पूछेगा कि अतिस्राव से होने वाला रोग कौन सा है, तो आपको आंसर टिक करना होगा फिर इस पर, नेत्रोसंधि गोइटर पर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट कर लेना है, और ये स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, या ऐसा का ऐसा आप टेबल या फ्लो चार्ट आप बना सकते हो। तो अल्पस्राव से होता है क्रेटिनिज्म, मिक्सिडेमा, गोइटर और हासिमाटो भी होता है, जो हासिमाटो रोग को थायराइड ग्लैंड्स की आत्महत्या भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, थायराइड ग्लैंड्स की आत्महत्या किसे कहते हैं, तो वो बोला जाता है हासिमाटो रोग को बोला जाता है, जो थायरोक्सिन हार्मोन के अल्पस्राव से होता है। बात करते हैं अतिस्राव, अतिस्राव से होने वाले रोग है ग्रेवी रोग, प्लूमर के रोग और नेत्रोसंधि गोइटर, तो तीन ही रोग होते हैं अतिस्राव की वजह से। अगला पॉइंट नंबर 34, पैराथायरॉयड ग्रंथि PTH जिसे पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन करती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो होती है वो PTH यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ये कोलिप का हार्मोन भी कहते हैं, इसे कोलिप का हार्मोन भी कहते हैं। किसे, जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है पैराथायरॉयड हार्मोन को कोलिप का हार्मोन भी कहते हैं। PTH यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है, रक्त में क्या करता है, जो कैल्शियम आयन का स्तर होता है, कैल्शियम आयन के स्तर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अगला पॉइंट, पैराथायरॉयड हार्मोन के अल्पस्राव से हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी और अतिस्राव से हाइपरकैल्सिमिया कहते हैं। यानी कि अगर पैराथायरॉयड हार्मोन के अल्पस्राव होता है तो उसे हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी और अतिस्राव हो जाता है तो उसे हाइपरकैल्सिमिया कहते हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है, इससे क्या होता है, जो पैराथायरॉयड हार्मोन के कमी या ज़्यादा से कौन सा रोग हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, थाइमस ग्लैंड्स थायमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, थायमस ग्लैंड जो होती है किसका सिक्रेशन करती है, थायमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। टी लिम्फोसाइट का प्रेक्षण केंद्र होता है, यानी कि जो टी लिम्फोसाइट का प्रेक्षण केंद्र भी कौन होती है, थायमस जो ग्लैंड्स होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र कौन सा होता है, तो होते हैं आपके थायमस ग्लैंड्स। थायमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, थायमोसिन एज अकॉर्डिंग कम हो जाती है, यानी कि जो थायमस ग्लैंड्स होती है वो एज के अकॉर्डिंग कम होती जाती है। जनन ग्रंथियों के परिपक्वन हेतु सहायक, यानी कि थायमोसिन ग्लैंड्स क्या होती है, जनन ग्रंथियों के परिपक्वन हेतु सहायक होती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही या नहीं आ रही, कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने सभी फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना। आगे अपन बात करते हैं, जो अगली ग्लैंड्स आ रही है आपकी,
अग्नाशय जिसे बोला अग्नाशय होता है जिसे मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, इसका जो वेट होता है 85 ग्राम का होता है और तीन प्रकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती है और तीन अलग अलग हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है यहाँ से। इस अकेली जो क्लास आपकी ये क्लास होती है या ये बुक्स आप खरीदते हो, बुक से आप बहुत ही प्रॉफिट रहेगा। 25 प्लस स्कोर बुक्स से कर सकते हो आप बिना किसी क्लासेज या बुक से, अकेली बुक से आप 25 प्लस स्कोर कर सकते हो। फिजिक्स की जो बुक से अगर आप खरीदना चाहते हो तो 30 प्लस स्कोर आप ईजी तरीके से कर सकते हो, और केमिस्ट्री में 25 प्लस स्कोर आप अकेली बुक से कर सकते हो ताकि आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये तीनों बुक्स आप ले लेते हो फिर भी आप 75 प्लस स्कोर कर सकते हो बिना क्लासे लिए हुए, तो ले सकते हो। अभी बुक्स स्टॉक में है, वैसे बुक्स का स्टॉक जल्द ही खत्म होने वाला है, 10 से 12 ऑर्डर आ चुके हैं ऑलरेडी, तो आपका स्टॉक जल्द ही आउट हो जाएगा, फिर आपको 7-8 दिन और वेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगले ग्लैंड्स की, जो अग्नाशय ग्लैंड्स हैं। अग्नाशय क्या होते हैं, जो पेनक्रियाज ग्लैंड्स होती है वो मिक्स ग्लैंड होती है, 85 ग्राम्स की उसका वेट होता है, तीन प्रकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती है, अल्फा सेल्स जिससे ग्लूकागॉन का सिक्रेशन होता है, बीटा सेल्स जिससे इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और डेल्टा सेल जिसे सोमेटोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स है इसका सिक्रेशन करती है तो इंसुलिन का करती है, अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन का, और डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। आपके लिए एक फ्लो चार्ट है, इसमें अतिस्राव और अल्पस्राव के बारे में बता रखा है, तो अल्पस्राव से कौन सा रोग होता है और अतिस्राव से कौन सा रोग होता है। बाकी जो एडनल ग्लैंड्स है उसके बारे में अपन कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। कल संडे आपकी कोई क्लास नहीं होगी क्योंकि नेट ऑलरेडी बंद है, तो कोई भी क्लास आपकी नहीं हो पाएगी, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन की अपन बात करते हैं, तो इंसुलिन हार्मोन के अल्पस्राव से और अतिस्राव, तो अल्पस्राव से मधुमेह होता है, बहुमूत्रता होता है, और पॉलीडिप्सिया होता है, और कीटोसिस होता है। तो ये चार रोग किसकी कमी से होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से चार रोग होते हैं, मधुमेह, बहुमूत्रता, पॉलीडिप्सिया और कीटोसिस, ये चार रोग होते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इंसुलिन के अल्पस्राव से होने वाले रोग कौन सा है, तो आपके लिए वहाँ ऑप्शन दे दिया जाएगा और उनमें से बताना रहेगा। और अतिस्राव से एक रोग होता है हाइपोग्लाइसेमिया, तो अतिस्राव से कौन सा हो गया, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखना, तो इंपॉर्टेंट ये रहेगा क्योंकि क्वेश्चन अतिस्राव से पूछा जाएगा वहाँ कि अतिस्राव से कौन सा रोग होता है, तो आपको तीन नेम में मिलेंगे और चौथा ही मिलेगा, तो आपका राइट आंसर ये होगा हाइपोग्लाइसेमिया। तो इंसुलिन हार्मोन के अतिस्राव से हाइपोग्लाइसेमिया होता है, अल्पस्राव से कीटोसिस, पॉलीडिप्सिया, बहुमूत्रता और मधुमेह, ये चार रोग होते हैं अल्पस्राव से। तो कमेंट करके बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी नहीं लगी, शेयर जरूर करना, ये सभी आप कमेंट करके जरूर बता देना, और कोई कमी रही हो तो उसको भी बता देना ताकि कमेंट बॉक्स में देखकर आपके नेक्स्ट क्लास में उस कमी को दूर किया जा सके। धन्यवाद।